9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. लगातार हमसे दूर जाता PSLV-C42 अंतरिक्ष के गहन अंधकार को प्रकाशित करता हुआ विस्तीर्ण रमता है। अटूट सन्नाटे को अपनी गर्जना से चीरता हुआ लक्ष्य की ओर सतत अग्रसर भारत का ये यान आज अपनी मौलिकता की अलिखित कहानी समूचे विश्व को सुनाने आसमान की गहराई में उतर जाना चाहते। शायद इसीलिए PSLV यान प्रक्षेपण हेतु मानव निर्मित किन्हीं सीमाओं को न मानता है न जानता है। वो इन सबसे परे से समझता है तो अपने निर्धारित मापदंड we are in the first stage flight. The first stage is a solid stage. Sharvan in main auto. P3 in thrust one. Auto in main auto. प्रथम चरण अभी तक प्रज्वलन सामान हम 1.5 मिनट का सफर तय कर चुके हैं और करीब करीब 16 किलोमीटर का प्रयास और 35 किलोमीटर की ऊंचाई तय कर चुके हैं। रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर फोंगिनान जी उद्घोषणा लगातार करते हुए और मिशन डायरेक्टर हटन जी को आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। सेपरेटेड सेकंड स्टेज इंजन स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेज हैज टेकन द व्हीकल टू एन ऑल्टीट्यूड ऑफ मोर देन 49 किलोमीटर्स एंड इंपार्टेड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1.4 किलोमीटर पर सेकेंड। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। जी हाँ, प्रथम चरण के पृथक्करण के बाद जो द्वितीय चरण उसका प्रज्वलन हुआ था उसका जो प्रज्वलन में पूरी तरह से सामान प्रथम चरण ने अपना निष्पादन बहुत ही सामान्य किया। ये उद्घोषणा आप लगातार परा संचालन निदेशक जो मेरी आवाज के साय में आप उनकी आवाज सुन पा रहे होंगे बाकायदा सफलता की घोषणा करते हुए हर स्टेज की होंगी नाम जी। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। करीब करीब 100 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं और 100 किलोमीटर हम श्रीहरिकोटा से दूर जा चुके हैं। इस समय करीब 1.9 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेलोसिटी प्राप्त कर चुके हैं और 180 सेकंड व्यतीत कर चुके हैं। हीट सील्ड सेपरेशन पेलोड फेयरिंग जो थी वो भी सेपरेट हो चुकी है और द्वितीय चरण का जो प्रज्वलन है वो सामान्य। The closed loop guidance has been initiated. This happens in the middle of the second stage. The second stage takes the vehicle to an altitude of nearly 200 kilometers. Second stage performance normal. जी हाँ, द्वितीय चरण का जो निष्पादन है प्रज्वलन है वो बिल्कुल सामान्य है और अपने पथ पर अवलोकित तत्व और अनुमानित तत्व दोनों एक दूसरे का अपसरण करते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण जो सामने आने वाला है कुछ ही क्षणों में वो है द्वितीय चरण का बंद होना और तृतीय चरण का प्रज्वलन। ये कुछ ही क्षणों में हम देख पाएंगे। क्लोज गाइड लूप सिस्टम जो था उसका इनिशिएशन हो चुका है और वो सामान्य निष्पादित करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। बहुत ही क्लोज हम तृतीय चरण के प्रज्वलन के या द्वितीय चरण के पृथक्करण के। Second stage separated. The second stage has separated. Third stage and ignited. The third stage, which is a solid stage, has ignited. And the third stage burns for nearly 110 seconds. Yeah, ये बहुत महत्वपूर्ण घड़ी होती है। Performance normal. एक प्रणाली दूसरे से अलग होती है जो पूरी तरह से संगत मुक्त होनी चाहिए। इसलिए इनकी जो पृथक्करण की
मछलियां होती हैं ये बेहद नाजुक होती हैं किसी भी यान के लिए। जैसा कि आप देख पा रहे थे दोनों जो चरण थे, सॉलिड जो फर्स्ट स्टेज था, उसके बाद लिक्विड जो द्रव चरण था, वो पूरी तरह से उसका निष्पादन सामान्य रहा। इस समय हम तृतीय चरण के प्रज्वलन पे है जिसका भी निष्पादन पूरी तरह से सामान्य है, करीब करीब 100 सेकंड इसका प्रज्वलन होना है। एक विश्वसनीय निगाह अपने स्क्रीन को देखती हुई, सभी निगाहें पूरी तरह से आश्वस्त कि ये जो आज का प्रक्षेपण है वो संपन्न होगा सफलतापूर्वक, इसी उम्मीद के साथ हर निगाह हर वैज्ञानिक अपने स्क्रीन पर नजर दिखाए हुए 333 सेकंड का समय व्यतीत करके हम इस समय करीब करीब 4.6 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर चुके हैं। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। इस समय करीब करीब 620 किलोमीटर दूर जा चुके हैं श्रीहरिकोटा से और 300 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। हमें करीब करीब 583 किलोमीटर की कक्षा में इसे स्थापित करना है दोनों उपग्रहों को। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वेग का मान भी धीरे धीरे बढ़ेगा। थर्ड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। Third stage action complete regulation hosting phase. The third stage has completed its burn phase. Now there is a coasting phase where the relative velocity will be coming down and the vehicle will continue to gain altitude. The step separation will be a little time later, and this is primarily to allow the tail off thrust of the third stage to come down to safe limits. In this mission, there is a course coasting normal. There is a total course of about 115 seconds. The course duration is primarily decided by the mission requirements to optimally meet the target conditions. Plus 7 minutes. जी हाँ, तृतीय चरण के ज्वलन के पश्चात और अंतिम चतुर्थ चरण के प्रज्वलन के पूर्व जो ये समय होता है इसे निशक्ति समय या कोस्टिंग पीरियड कहा जाता है। इस उसके के समय के दौरान जो ऊंचाई है आप देख पा रहे हैं, जो समय बीतता जा रहा है लेकिन जो ऊंचाई है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, 420 किलोमीटर हो चुकी है, जबकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 5.58, 5.86, 5.84 वो कम होती जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो धीरे धीरे जो गतिज ऊर्जा है वो कम होती जाती है। अभी तक निशक्ति जो समय है वो बिल्कुल सामान्य, निष्पादन पूरी तरह से सामान्य, और कुछ ही क्षणों में अभीष्ट आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद चतुर्थ चरण का प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। करीब करीब 486 सेकंड बीत चुके हैं। हम उस घड़ी का इंतजार जब रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर की इसकी जो घोषणा, तृतीय चरण का पृथक्करण हो चुका है। ये विदेशी उपभोक्ता लगातार उस घड़ी की प्रतीक्षा में जब फोर्थ स्टेज इंजन स्टार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण घड़ी। ये अंतिम चरण जो PSLV-C42 का था वो प्रज्वलित हो चुका है और अब अंतिम चरण उपग्रहों को लेके अपने गंतव्य तक आगे बढ़ता हुआ, ऊंचाई करीब करीब 494 किलोमीटर प्राप्त की जा चुकी है और चतुर्थ चरण का जो निष्पादन वो पूरी तरह से सामान्य। द फोर्थ स्टेज इज एक्सपेक्टेड टू बर्न फॉर अबाउट 520 सेकंड्स एंड this stage is the one which will take the satellites to the required circular orbit of 587 kilometers with a velocity of 5.6 kilometer per second. One of the aspects of the launch clearance procedure is the space object proximity analysis. An analysis is done before the launch to assess the collision risk between the already existing space objects vis-a-vis the upper stage of the launch vehicle and the satellite once it reaches the orbit. Such potential collisions during the mission are avoided by adjusting the time of launch. This is a standard practice for all the launches from Sriharikota. There is
no concern for this mission? जी हाँ प्रश्न जो निष्पादन है पूरी तरह से सामान पीएसएलवीसी 42 द्वारा कुल 898 किलोग्राम भारी सरे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड यूके द्वारा निर्मित दो उपग्रह 454 किलोग्राम भारी नोवासार और 444 किलोग्राम भारी S1-4 उपग्रह आज प्रक्षेपित होने जा रहे हैं। पीएसएलवीसी 42 कुल 1600 किलोग्राम भारी उपग्रहों को ले जा सकता था, लेकिन चूंकि गोरेलोन वर्षन किया गया है इसलिए ये इस समय 898 किलोग्राम भारी उपग्रहों को ले जा रहा है। नोवासार 454 किलोग्राम भारी एक अल्प लागत और एस बैंड 7 प्रदाय भार और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन रिसीवर है प्रदाय भार के रूप में, इसका उपयोग मुख्य रूप से वानिकी मानचित्रण अर्थात जंगलों के नक्शे बनाने के लिए, भू उपयोगिता के अंतर्गत वर्षा से प्रभावित जमीन एवं बर्फ से आच्छादित परतों की निगरानी के लिए, बाढ़ और आपदा निरीक्षण जहाजों की स्थिति पता लगाने एवं समुद्री निरीक्षण के लिए किया जाएगा। जबकि 444 किलोग्राम भारी S-1-4 एक मीटर से भी कम विभेदन क्षमता वाले प्रकाशी भू अवलोकन उपग्रह है, जिसे संसाधन सर्वेक्षण पर्यावरण विकास प्रबंधन और आपदा निरीक्षण के लिए बनाया गया है। ये दृश्य मिशन कंट्रोल सेंटर के अंदर का, जहां पे अंतिम चरण के निष्पादन की समीक्षा हो रही है। सारे आंकड़े पूरी तरह से संतुष्ट देते हुए इसरो के चेयरमैन और सोमनाथ जी, बीएसएससी के निदेशक, एलपीएससी के निदेशक नारायणन जी और मिशन डायरेक्टर हटन जी, बाकायदा उनके बगल में मूर्ति जी जो एसोसिएट डायरेक्टर हैं शार के, लगातार आंकड़ों पर नजर बनाए हुए। इस समय हम 706 सेकंड का समय बिता चुके हैं, 6.098 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करके करीब करीब 581.3 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं। जिन्हें हम प्रक्षेपित करना वो 583 किलोमीटर की, हम बहुत ही नजदीक है। बहुत ही कुछ ही क्षणों में हम उद्घोषणा सुन पाएंगे जब चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा। ये दास जी स्पेस एप्लीकेशन अजीमत, हम दिगांश जो है वो करीब 182.2 डिग्री का, हम इस समय शार से करीब 2720 किलोमीटर की दूरी पर जा चुके हैं। पूरी तरह से निष्पादन सामान, हमारे सभी विदेशी उपभोक्ता अब केवल फोर्थ स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल उस घड़ी का प्रतीक्षा करते हुए, ये आप देख सकते हैं आपके दर्शक दीर्घा में बैठे हुए विदेशी उपभोक्ताओं को, जो लगातार उस घड़ी का इंतजार करते हुए जब उनके उपग्रह प्रक्षेपित कर दिए जाएंगे और फिर उनका निष्पादन देखा जाएगा उनके वैज्ञानिकों द्वारा ब्रिटेन। हम बहुत ही नजदीक उस घड़ी के जब चतुर्थ चरण के इंजन को, जो द्रव इंजनों से, बंद कर दिया जाएगा। अभी तक निष्पादन सामान The fourth stage, which is now in progress, it is a liquid stage with 2.5 tons of propellant and the twin engines running. We have now reached a relative fourth velocity stage of performance normal. 6.5 km per second. The performance is normal. जैसा कि अभी आपको ललितम का जी बता रहे थे, इस तरह से जो सेपरेशन सिस्टम्स है किसी भी अभियान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रथम चरण को यान से फ्लेक्सिबल लीनियर शेप चार्ज एवं आठ रेट्रो रॉकेट्स पद्धति द्वारा दो हिस्सों में बने ऊष्मा सुरक्षा कवच के दोनों भाग लीनियर बेलो सिस्टम एक्सप्लोजिव कार्ड द्वारा अलग किए जाते हैं। मर्मर बैंड और बोल कटर पृथक प्रणाली का प्रयोग करके द्वितीय चरण को तीसरे चरण से अलग किया जाता है बाल रिलीज प्रणाली का प्रयोग करके। इसी तरीके से पायरो थ्रस्टर सेपरेशन जिनको आवश्यक घूर्णन प्रदान करते हैं उपग्रह को अंतिम चरण से पृथक करने के लिए फिर से एक बार मर्मर बैंड प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पृथक्करण के लिए आवश्यक बल कैनिस्टर में लगे स्प्रिंग थ्रस्टर की मदद ली जाती है। इस समय हम करीब करीब 877 सेकंड का समय व्यतीत करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर भूमि नान जी ने जैसा की आपको बताया निष्पादन पूरी तरह से सामान
ये है दर्शक दीर्घा, जहां पे विदेशी उपभोक्ता पूरी तरह से आश्वस्त कि अब उनकी बारी है और उनका के सभी जो दोनों उपग्रह हैं उनका प्रक्षेपण बहुत ही कम समय में समाप्त होने जा रहा है। आप देख पा रहे हैं समय आईएसटी करीब करीब इस समय 22:23:16, मगर यहाँ पे उत्साह ऐसा जैसे अभी सुबह हुई है। पूरी तरह से तैयार क्षण का इंतजार आप अपने स्क्रीन पर कुछ क्षणों में देख पाएंगे कि हम नॉर्मल सैटेलाइट सेपरेशन के बिल्कुल नजदीक आ पहुंचे हैं। एक 84.5 डिग्री जो अजीमुथ है डिग्री है और जो ऊंचाई है वो करीब करीब 588.4 किलोमीटर की, जो परास या श्रीहरिकोटा से दूरी 33 दूरी वो करीब 3,967 किलोमीटर की और रिलेटिव वेलोसिटी 7.28 किलोमीटर। वी हैव ऑलरेडी रीच द रिक्वायर्ड आल्टिट्यूड, द रिलेटिव वेलोसिटी इज स्लोली बीइंग गेन्ड टिल द PS4 कट ऑफ। जी हाँ, जो आप देख पाते हैं वो करीब करीब 7.561 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करना है, तो आप देख पा रहे हैं कि धीरे धीरे रिलेटिव वेलोसिटी है वो गेन करती जा रही है और जैसे जैसे हम अभीष्ट मान की तरफ बढ़ेंगे बस वही क्षण होगा जब हमको चतुर्थ चरण को बंद कर दिया जाएगा और फिर करीब करीब 47.5 सेकंड के बाद सैटेलाइट जो उपग्रह है उन्हें एक साथ यान से पृथक कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा, विलगित कर दिया जाएगा। फोर्थ स्टेज इंजन सेट ऑफ बंद कर दिया गया है चतुर्थ चरण। जी हाँ, अब केवल 47 सेकंड की दूरी जब दोनों उपग्रह एक साथ यान से अलग कर दिए जाएंगे, पृथक कर दिए जाएंगे, अपनी अभीष्ट कक्षा में स्थापित कर दिए जाएंगे। वेरी क्लोज टू सैटेलाइट सेपरेशन। दोनों उपग्रह ज्ञान से अलग हो चुके हैं और ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। मिशन कंप्लीटेड, ओवर टू मिशन डायरेक्टर। इस सारे प्रसारण तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। इस समय एमसीसी के अंदर बिगड़े सप्ताह उत्साह में शामिल होने के लिए हम आपको सीधे वहीं लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।